हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चतरा जिला के बारे में। चतरा जिला झारखंड के 24 जिलों में से एक है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो चतरा हजारीबाग से 1991 ईस्वी में अलग हुआ। चतरा जिला में 15 थानाएं स्थापित हैं। पहले से यह जिला माओइस्ट एक्टिव जिला रहा है, बट पुलिस के अच्छे गतिविधियों के कारण आजकल की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। चतरा जिला में 4 टेरिटोरियल डिवीज़न है फॉरेस्ट के, जिसमें नॉर्थ है, साउथ चतरा है, कोडरमा है और हजारीबाग वेस्ट है। चतरा जिला जो है वो पूरी तरह से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे केंदु लीव्स है, बम्बू है, साल है, टीक है और टिम्बर्स हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये हाउस करते हैं कार्निवोरस और हार्बीवोरस एनिमल्स को भी। चतरा जिला में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसका नाम लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के एक्ट 1978 के तहत स्थापित किया गया है। अगर हम बात करते हैं मैप की, तो चतरा जिला नॉर्थ में बिहार से कनेक्टेड है, ईस्ट में पलामू डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है, वेस्ट में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है और साउथ में रांची डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें चतरा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास की, तो चतरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो गेटवे है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, छोटा नागपुर एरिया का। अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो चतरा का जिक्र अशोक के रीजन 232 BC के अराउंड किया गया है, जहाँ चतरा को अतावी कहकर पुकारा गया है। और यह जो एरिया है वो फॉरेस्ट से लस और फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड एरिया है, जो कि मगध रीजन का एक पार्ट था। अगर हम बात करें मेडाइवल चतरा की, तो यह एरिया तुगलक खान जो दिल्ली सल्तनत के थे उनके अंदर आता था। उसके बाद 1660 ईस्वी में यह एरिया औरंगजेब ने ऑक्यूपाई किया। देन यहाँ पे जब रामगढ़ राजा का पोजीशन हुआ 17 सेंचुरी में, तो ये एरिया रामगढ़ राजा के अधीन आ गया। उसके बाद अली वर्दी खान यहाँ पे चढ़ाई करते हैं इस एरिया को और इस एरिया के फोर्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो ये एरिया ब्रिटिशर्स के नज़र में 1769 ईस्वी में आया। अगर चतरा की बात करें तो बैटल ऑफ चतरा, जो कि सिपाही विद्रोह के आसपास ही हुआ है, बहुत अहम योगदान रखता है भारत के स्वतंत्रता कराने में। 2 अक्टूबर 1857 को एक लड़ाई होती है यहाँ पे, बैटल ऑफ चतरा जिसको बोला जाता है। ये फांसी तालाब के पास होता है। ये 1 घंटे के लगभग चलता है और इसमें 56 यूरोपियन सोल्जर्स के मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसे देखते हुए ब्रिटिशर्स जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और यहाँ के सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली दोनों को 4 अक्टूबर 1857 को इसी फांसी तालाब के किनारे पेड़ से लटका कर फांसी दे दिया जाता है। और मान्यता तो यह भी है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो फांसी तालाब का पानी है वो लाल रंग से हो जाता है। अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें, तो भी चतरा का बहुत अहम योगदान है। क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले यहाँ पे 1921 में एक मूवमेंट होता है, जहाँ पे श्री जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं, वो भी दिवाली की रात्रि में, और सबसे पहले वो टटरा आते हैं। टटरा जो एक गांव है चतरा जिला के अंतर्गत, उसके बाद वो वहाँ से वाराणसी की तरफ रवाना होते हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर केसरी, बाबू राम नारायण सिंह, बाबू शालिग्राम सिंह, ये लोग अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देते हैं और इसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को
हमें आज़ादी मिलती है। दस हम यह कह सकते हैं कि चतरा का छोटा बट बहुत अहम योगदान रहा है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। अगर हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो कौलेश्वरी और माँ भद्रकाली यहाँ दो बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौलेश्वरी एक कोलुआ हिल्स पे स्थापित है जो कि 1575 फीट ऊंची एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे लोग मोस्टली जो है वो मुंडन करवाने जाते हैं। माँ भद्रकाली की बात करें तो यहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं कि सभी धर्म के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं, हिंदू, जैन, बुद्धा, तो सभी लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा को मनाने के लिए यहाँ पे जाते हैं। यह जो माँ भद्रकाली है वो इटखोरी ब्लॉक के अंदर आता है और यहाँ पे गॉडेस दुर्गा का एक भव्य प्रतिमा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो चतरा जिले का पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के अनुसार 10,42,886 है। इसका एरिया 3,706 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं प्रमुख हैं। यहाँ पे 1,474 गांव हैं और इसमें पुरुष की संख्या 5,33,935 और महिलाएं 5,08,951 हैं। चतरा जिले की सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 951 फीमेल्स पर 1,000 मेल हैं और यहाँ की लिटरेसी रेट 60% के लगभग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।